जे किसी भरा को स्टूडेंट बच्चे को नहीं भी पैसे होंगे ना कोई नहीं बाद दूसरे दिन चौथे दिन पंद्रह दिन दसवें दिन तमाम देखने और सुनने वालों को बाबर खान की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको विज़िट करवाऊंगा एशियन मार्केट का जर्मनी में लाइप्ज़िग के शहर लाइप्ज़िग में। यहाँ पर एशियन मार्केट को मोस्टली लोग लागरों के नाम से जानते हैं। तो एशियन मार्केट इस वजह से है कि वहाँ पर तकरीबन मोस्टली सारे पाकिस्तानी इंडियन और चाइनीज़ वियतनामीज़ हैं, तो उनकी शॉप्स हैं ये मेरे बिल्कुल पीछे इन बिल्डिंगों के बिल्कुल साथ। तो जो लोग लाइप्ज़िग में रहते हुए पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स या नए आने वाले लागरों का एड्रेस नहीं जानते, उनकी आसानी के लिए भी थोड़ी सी वीडियो के नोड के स्टाप पर उतरें। तो मेरी ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है मस्जिद वाली, तो सेम एड्रेस है, तो उसी पर उतर, इससे नीचे उतर कर उसमें लेफ्ट हो जाना और इस पर राइट हो जाना। आगे दिखाता हूँ, स्टॉप से नीचे उतरेंगे सीढ़ियों से, ये जो मोकाओ स्ट्रासे है ये जाती है मस्जिद की तरफ। और लागरों में जाने के लिए आपने रिश्तुंग होना है, यानी कि डायरेक्शन लेनी है मैक्सिम मिलियन आले की। यहाँ से जो ही आप बाहर निकलेंगे आपने राइट हो जाना, यहाँ से एक तरफ ये साइकिलों वालों का रास्ता, दूसरी तरफ पैदल वालों का, तो हम पैदल वालों का रास्ता इस्तेमाल करें। वो सामने नीली पट्टी वाला एसबान का स्टॉप है, वहाँ से उतर के आप राइट लें, यहाँ से आप आएंगे ऊपर, यहाँ से फिर आपने राइट लेना दोबारा, यहाँ से होते हुए आप ये सामने सीधी डायरेक्शन में चलेंगे, वो सामने सेल ग्रोस है लागरों के बिल्कुल सामने और उसके बिल्कुल सामने। ये हमारे नासर भाई हैं, इनसे मुलाकात हुई थी लास्ट वीडियो में भाई नाकटन वाली पे, तो इन्हों को देखनी थी एशियन मार्केट यहाँ की लागरें, इनको दिखाने लाया हूँ, तो मैंने कहा चलें साथ में वीडियो बनेगी। तो नासर भाई, आपका कैसा व्यू है जर्मनी के बारे में, वेदर कैसा है यहाँ का? अस्सलाम वालेकुम। वेदर सबसे पहले तो भाई आप यहाँ पे वेदर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी क्या टेम्परेचर होता है कभी क्या होता है, तो जब भी बाहर निकले स्पेशली विंटर में, तो आप अपने सारे इक्विपमेंट्स साथ लेके चलें, आपके ग्लव्स हो गए, ग्लव्स बहुत कंपलसरी हैं, उसके अलावा आपकी हैट हो गई। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको ऐसा दिखेगा कि आप जब घर में बैठे हुए बाहर से देखते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा कि बाहर धूप निकली हुई है, नॉर्मल वेदर होगा। चले नासर भाई, थैंक यू वेरी मच। बाकी ये है जी सेल ग्रोस और ये इसकी पार्किंग प्लेस, बहुत बढ़िया। यहाँ पे नॉर्मल बंदा शॉपिंग नहीं कर सकता, यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आपके पास बिजनेस कार्ड होना ज़रूरी है, यानी कि आप किसी भी कारोबार के ओनर हैं तो यहाँ सर जाकर शॉपिंग कर लेते हैं। नॉर्मली बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल वगैरह का सामान यहाँ से ही जाता। सेल क्रॉस के बिल्कुल सामने ये जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये डब्बा सा, ये बिले का होटल है, इंडियन भाई हैं अपने, उन्होंने गाड़ी जोड़ के एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ। ऊपर ये देखें इंडिशे, और इसके सामने बिल्कुल ये लाग रहे हैं, यहाँ पर सारे पाकिस्तानी इंडियन वियतनामी सब है जी। अपने एशियन मार्केट से कुलदीप सिंह भाई इंडिया तो, इन्हों का समान आता है, इन्हों की परचून की जिस तरह कह सकते दुकान, इन्हों का माल आता रोज डब्बे फड़ो, एक एक डब्बे फड़ो अंदर की जाओ, फ्रेश सब्जियां फल तुहानू दुकान का विजिट कराना होगा। लागरों में एंट्रेंस के साथ ही इन्होंने अपनी ये निम्को वगैरह इंडिया की और चिक्स वगैरह अंदर दाखिल, ये परचून की दुकान। ये जी फ्रेश सब्जियां, भिंडी धनिया, नॉर्मली जर्मन में ये चीजें नहीं मिलती हैं, अरबी वगैरह टेंडे बैंगन भिंडी बिल्कुल ताजा मिला जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, रोज अपनी गड्डी आती है, दूसरे दिन वीकेंड पे वीकेंड देखो 500 डब्बे मिठाई जाए आज। लाइप्ज़िग जर्मनी के शहर लाइप्ज़िग में रहते हुए आपको बर्फी मिठाई एशियन कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत है बिल्कुल फ्रेश यहाँ से मिल जाए, कोई मसाला जार मिर्चे। भाई ने अपने पाकिस्तान तो अपना नाम सो भाई, मेरा नाम मौजम है जी। हाँ जी थैंक यू। फ्रैंकफर्ट तो आंदे सब्जी लेके, बिल्कुल फ्रेश सब्जी लेके आंदे
हर मसाला वगैरह पा होंगे एमडीएच का टीआरएस का शान एक जो ना भिंडी खुली है कोई गल अगला बड़े मान ना होंगे इतने की चली बिले भाई को नो प्रॉब्लम जो गिल्ट नहीं भी है छपेता मसाल कर सकता बाद बेसन दालें पत्ती देसी घी बच्चों का दूध पराठा सौ बिला भाजी की शॉप परचून वाली हर चीज तुहानू तकरीबन मसाला जात इंडियन पाकिस्तानी जो भी चाहिए सवेरे 8:30 तो शामी 8:30 बजे तक खुली है दुकान टाइमिंग सुबह 8 तो सवेरे 8:30 तो शामी 8:30 तक जर्मन टाइम के मुताबिक जी सुबह 8 तो 8:30 जी 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 चलो जी तो मेहरबानी मिला जी ओके सर जी थैंक यू खुदा हाफिज़ तो एंटर होते ही सबसे पहले सब्जी वाली दुकान उसके बाद मोस्टली यहाँ पर लोगों ने पर्स कपड़े वगैरह मोस्टली यहाँ पर पाकिस्तानी इंडियन वगैरह की शॉप्स जो हैं वो कपड़ों की हैं तो एक पाकिस्तानी भाई ने यहाँ पर लेदर का काम शुरू किया है बहुत पुराना काम चल रहा है लेदर के पर्स बैग्स और बड़े बैग भी मतलब आपने कहीं पर आना जाना है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं ये जी वियतनामियों की दुकान है यहाँ पर जिंदा मछली मिल जाती है ये सामने मछली है इनकी दुकान की पहचान यही है कि जब आप पास से गुजरें अजीब तरह की स्मेल आ रही होती है तो आप आए इनको बताएं कि फ़िश चाहिए इन्होंने एक डंडा सा रखा होता है जाल उससे पकड़ते हैं बता दें इतने किलो की चाहिए तो वो देख लेते हैं बहुत बड़ा बड़ा स्टुक होता है मतलब मछली का पीस तो वो फिर इस तरह इसको निकालते हैं ओके मछली पकड़ने के बाद रैच पेज सारा कुछ इस पे चला के उसको साफ किया जाता ये तरीका जी इनका मछली काटने का इनके हाथों में इतनी जान नहीं होती है एक हाथ से ये मछली काटने बड़ी गंदी सफाई करते हैं ये थी जी पाकिस्तानी यानी कि एशियन मार्केट यहाँ पे लाइप्ज़िग जर्मनी के शहर में खरीदी हमने यहाँ से मछली ये एशियन मार्केट के नाम से मशहूर है और लागरों के नाम से मशहूर है यहाँ पे कोई भी चीज़ होलसेल पे चाहिए हो तो यहाँ का विज़िट किया जा सकता है अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें दुआओं में याद रखिए अल्लाह हाफिज़।